नमस्कार। आज जो गुजरात में पिछला कल शाम को जो पत्रकार परिषद हुआ था, उसके बाद अभी तक के जो कोविड के पॉजिटिव केसेस हैं 55 जितने आज आए हैं, ये बिल्कुल आश्चर्यजनक नहीं है। सबसे पहली बात हम कहना चाहेंगे कि समस्या बिल्कुल हमारे अंकुश में है, क्योंकि हमें ये धारणा थी, ऐसे हमें संख्या भर बन काफी, हमें जब पॉजिटिव केसेस दिल्ली की घटना के बाद, निजामुद्दीन की घटना के बाद जब पॉजिटिव केसेस हमें चंद विस्तारों में, जिसे हम क्लस्टर और फिर हॉटस्पॉट के नाम से उनको हम पहचानते हैं, जब वहां पर शुरू हुए तो हमें एक अनुमान था कि वहां पर ये फैलने लगा है, और इस वजह से एक हॉटस्पॉट को पूरा सील किया गया, और सील करने के साथ साथ हमने एक एक घर में जाके वहां सर्वेलेंस बिल्कुल डिटेल, थर्मल गन के साथ टेम्परेचर है, फिर उसके बाद और क्या क्या लक्षण है, क्योंकि हमें एक एक सिटीजन की चिंता है। सरकार चाहती थी कि एक एक का टेस्टिंग हो, और उस तरह करने के बाद तुरंत ही जितने लोग इसमें बीमार हैं उनका टेस्टिंग ट्रीटमेंट शुरू कर दिया गया है। और ऐसे करते हुए हमारी व्यूह रचना प्लानिंग ये है कि इन हॉटस्पॉट्स में एक एक केस को अगर हम शोध ढूंढ ढूंढ कर निकाल सकें, टेस्ट और ट्रीट कर सकें, और इस शेप को, संक्रमण को और फैलाने से बिल्कुल हम कंटेन कर सकें, बंद कर सकें, और न केवल उस विस्तार के अंदर न फैले, उस विस्तार से बाहर भी न फैल सके, इस तरह से हमने पूरा प्रावधान किया है। और देयरफोर अब स्वाभाविक है कि जैसे जैसे टेस्टिंग हम बढ़ाएंगे, इस व्यूह रचना रणनीति की वजह से केसेस और भी पॉजिटिव उस विस्तार में निकल सकते हैं, और ये एक अच्छा लक्षण है, ये एक अच्छी बात है, क्योंकि जैसे जैसे केसेस निकलते हैं तुरंत हम उसे टेस्टिंग और ट्रीटमेंट पर रख सकते हैं, एंड वी कैन एंश्योर कि और इसका चेप या इसका संक्रमण न फैले। तो पूरा सिचुएशन जो है इट इज कंप्लीटली अंडर कंट्रोल। और साथ ही आज ये भी कहेंगे कि जो 55 केसेस आए हैं उसमें से 50 केस जो इस सर्वेलेंस के तहत ही इसकी वजह से ही बाहर निकले हैं, ऐसे अहमदाबाद और सूरत के 52 केसेस, अहमदाबाद के 50, सूरत के 2 ऐसे केसेस निकले हैं। और इसके अलावा या तो ये सर्वेलेंस वाले हैं या कॉन्टैक्ट, लोकल कॉन्टैक्ट वाले हैं। दाहोद का एक केस है, आणंद में एक केस है, और छोटा उदयपुर में एक केस है। इस तरह से अभी जो एक्टिव पेशेंट्स, यानी कि जो पेशेंट्स फिलहाल ट्रीटमेंट ले रहे हैं, जिनकी तबीबी सेवाएं जारी हैं, 155 ऐसे लोग हैं। इसमें से 2 लोग केवल क्रिटिकल हैं, वेंटिलेटर पर हैं, बाकी 153 लोग बिल्कुल स्टेबल हैं, या तो रूम एयर पर हैं, हमारी तरह से श्वास ले रहे हैं, या फिर सिंपल ऑक्सीजन पर हैं। आज एक व्यक्ति का दुखद अवसान भी हुआ है। ये अहमदाबाद के SVP हॉस्पिटल में दाखिल थे, 48 वर्ष की इनकी आयु थी। साथ ही एक अच्छी खबर ये भी है कि एक अहमदाबाद के ही एक पुरुष, अहमदाबाद ग्राम्य विस्तार के एक पुरुष, जिनकी 27 साल की उम्र है, वो डिस्चार्ज होके सिविल हॉस्पिटल अहमदाबाद से निकल गए हैं। तो इस तरह से आज की परिस्थिति है। हम फिर से सबसे अनुरोध करेंगे कि बिल्कुल पैनिक या घबराने की जरूरत नहीं है। केसेस बढ़े हैं आने वाले दिनों में थोड़ा बढ़ेगा, क्योंकि ये जो संक्रमण हमने बताया है कि इसको पूरी तौर से फैलने के लिए या इंक्यूबेट होने में 14 दिन का समय लगता है, तो अभी आने वाले दो तीन दिन में भी ये बढ़ सकता है, इसकी चिंता न करें। पर जैसे जैसे केसेस हम पकड़ रहे हैं तुरंत ही, ये हम टेस्टिंग बहुत ही बड़े पैमाने पर कर रहे हैं, इस वजह से इन हॉटस्पॉट्स में ये केसेस निकल के आ रहे हैं, और इन हॉटस्पॉट्स को पूरा सील किया गया है, और जैसे जैसे ये केसेस निकल रहे हैं उनकी हम बिल्कुल इमीडिएट ट्रीटमेंट भी शुरू कर रहे हैं, जिससे कि ये भी बिल्कुल अच्छे होके वापस अपने घरों में सुनिश्चित समय में आ सके। नमस्कार।
Thank you.